हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 5:45 बज रहा है और बस मैं उठ के अभी थोड़ी देर हुई है, मतलब मुझे उठे हुए, और मैंने झाड़ू वाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। अभी अयान और अयान के पापा अभी नहीं उठे हैं क्योंकि आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो थोड़ा सा ये लेट उठेंगे। वैसे तो डेली जल्दी उठ ही जाते हैं, इसीलिए मैंने बिना फ़ैन ऑफ किए यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, क्योंकि नहीं तो अयान उठ जाता। जैसे ही पंखा बंद होता है वैसे ही उसकी नींद खुल जाती। उठेगा भी थोड़ी देर से उठेगा, जब उसे दूध पीना होगा ना तो वो अपने आप उठ के बैठ जाएगा। तब तक मैं ताज़ा वाला दूध भी गर्म कर लूँगी, अभी मैंने ताज़ा दूध गर्म ही नहीं किया है। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में रात के बर्तन धुले हुए रखे थे वो सारे मैंने सेट किए। और तब तक यहाँ देखिए सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन भी हो गए। सुबह सुबह यहाँ से बिल्कुल हमारी बालकनी के सामने से ही सूर्य भगवान निकलते हैं, जो रेड कलर के, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये सारे मैंने डिब्बे कल धो के रखे थे तो इनको भी मैं उठा के अंदर रखती हूँ। और अभी मैंने अलमारी में इनको ऐसे ही एक जैसा लगा दिया है, मतलब धोती जा रही हूँ मैं और अलमारी में ऐसे ही भरती जा रही हूँ। उसके बाद जब किचन सेट होगी तब इनको देखेंगे कहाँ कैसे सेट हो सकते हैं। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पोंछा लगाने के लिए। और ये मैंने घड़ा ना निकाल दिया, आप लोग सोच रहे होंगे पोंछे के बगल से घड़ा क्यों रखा है। क्योंकि वो पुराना घड़ा ना टपकता था और यहाँ पर कहीं रखने की जगह नहीं थी, तो हमने अब घड़े का पानी पीना ही बंद कर दिया है। डायरेक्ट जो बोतल वाला पानी आता है वही पिया जा रहा है। और पोछा लगा के पूरे घर में मैंने सब्जी चेक की, सब्जी क्या क्या लानी है। नाश्ते बनाने जा रहे हैं मीठा वाला दूध का दलिया, क्योंकि इसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, तो लंच बनाने में टाइम लग जाएगा। वर्कलोड बढ़ गया क्योंकि इतना सामान यहाँ से वहां तक लाना रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर सबसे ज्यादा काम बढ़ता है महिलाओं के पास, क्योंकि उनको पूरा घर पर पूरा जो कहते हैं सेट करना होता है। और फिर ऐसे में हम अपने खाने पीने पे लापरवाही कर जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम काम कर लें, खाने पीने में बाद में ध्यान दे लेंगे, काम कर लें खाने पीने में बाद में ध्यान दे लेंगे। इस बार मौसम भी इतना खराब है, इतनी ठंड पड़ी है ना हर जगह, कि इस टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान देना और जरूरी हो गया है। इस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और यहाँ पर मैं अपने लिए प्रोटीन एक्स डाल के दूध बना रही हूँ। इसको मैं गुनगुने दूध में ही लेना पसंद करती हूँ, इसको आप पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन दूध वाला मुझे अच्छा लगता है। ये प्रोटीन एक्स मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ में जरूर लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला है। ये चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन एक्स है, जीरो एडेड शुगर, जिसे मैं मतलब काफी दिन पहले से ले रही हूँ। और आप लोगों ने इससे पहले भी मुझे कई बार बात करते सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि इससे ना एक तो मुझे काम करने की काफी एनर्जी मिलती है, मेरे अंदर काफी स्ट्रेंथ आती है काम करने की, और दूसरी चीज मेरी इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई है इससे, इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी काफी हेल्प करता है, इसलिए मैं इसे लेती हूँ। क्योंकि हम महिलाएं इतना काम करते हैं, इतनी एनर्जी हमारी लॉस होती है, इसलिए मैंने इसको लेना बंद ही नहीं किया। अगर हम नहीं लेंगे जाहिर सी बात है बीमार पड़ जाएंगे, तो हमारी देखरेख के लिए कोई नहीं है, क्योंकि महिलाएं हैं जो पूरी घर की नींव संभाल के रखती है, इसलिए अपनी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी दाल सब्जियां दूध पनीर वो चीजें भी तो खाते हैं, फिर हमें अलग से प्रोटीन एक सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है, वो भी तो ले ही रहे हैं। लेकिन हम जो रोजमर्रा की चीजें खाते हैं, डेली डाइट लेते हैं, उससे हमारी प्रोटीन की पूरी जरूरत जितनी हमें चाहिए बॉडी में वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम प्रॉपर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं कि हर चीज हम खाने की इतने अच्छे से खाएं कि प्रोटीन की पूरी जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है और लेना भी चाहिए। यूनिक सप्लीमेंट है और 60 इयर्स से ज्यादा हो गए जब से इसको लोग पसंद कर रहे हैं, इस पे भरोसा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जीरो एडेड शुगर है, इसको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन्स भरपूर मात्रा में है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और हेल्थ के बहुत सारी बेनिफिट है प्रोटीनिक्स लेने के, एक तो ये हमारी स्टेमिना को मजबूत बनाता है, दूसरी बात हमारी
जो टायर्डनेस है उसको कम करता है, ताकि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है और हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बरकरार रखता है। इसलिए प्रोटीनिक्स लेना बहुत जरूरी है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और जिंक पाया जाता है, जो हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, और आयरन, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे ब्लड सेल को इंक्रीज करता है। विटामिन B1 और B12 है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। विटामिन डी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, अमेजोन से अगर मंगवाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। और सब्जियां मैं नहाने से पहले ही ले आई थी यहाँ पे, जो सुबह वाली मार्केट लगती है वहीं से सारे पूरे हफ्ते भर की सब्जी एक साथ लेके आ गई हूँ। और सब्जी लाने का वीडियो इसमें नहीं है, मतलब वो मैंने अलग बनाया था, वो अलग वीडियो है। और आज ना मैं सब्जी के साथ में भुट्टे भी ले आई हूँ, मकई के भुट्टे मुझे बड़े बड़े दिख गए थे तो मैं ले आई थी। मैंने कहा या तो इनका कुछ बन जाएगा और नहीं बना पाए तो वैसे ही भून के खा लेंगे, वैसे भी तो हम भुट्टे खाते हैं, तो इसलिए मैं ले आई हूँ। और मैं पहले पालक बनाऊंगी, इसलिए मैंने पालक को अलग कर लिया है। इसकी सारी जड़ें काट के, जितनी भी थी खराब पत्ते वगैरह सारे बीन के अलग कर दिए हैं। अच्छी पालक है, एकदम छोटी छोटी सी, और पालक इतनी नाजुक होती है ना, इसलिए जब भी मैं पालक लेके आती हूँ ना तो इसको पहले ही बनाती हूँ, क्योंकि मेथी तो रखी रहती है, वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती है, लेकिन पालक जल्दी ख़राब होने लगती है, इसलिए इसको ही बना लेंगे। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है और 2-3 बार अब पानी से अच्छे से धो दूँगी इसकी पूरी मिट्टी वगैरह, ताकि अच्छे से निकल जाए। तो 2-3 पानी से ये पूरी अच्छे से साफ हो गई है। और आज मुझे पालक का साग बनाने का बहुत मन कर रहा था कि आज मैं पालक का जो दाल डाल के साग बनाते हैं ना, लहसुन का तड़का लगा के, वो बनाने का मन कर रहा। तो इनसे पहले मैं पूछ लूँगी अगर ये पालक का साग खाएंगे तभी मैं बनाऊँगी, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर कुछ और भी बनाना पड़ेगा, पालक का साग भी बनाना पड़ेगा इसलिए। और ये अभी नहाने चले गए थे, अभी नहा के आए हैं तो मैं नाश्ता लगा दे रही हूँ। और ये खीर जैसा दलिया बन जाता है बिल्कुल, इसको ऐसे मेवे वगैरह डाल के बनाओ तो। और यहाँ मैंने पालक को काट लिया है, और अब मैं पालक का साग नहीं बनाऊंगी, अब मैं कुछ और बनाऊंगी। और आज इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना, जो पालक की बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। जिन लोगों को पालक पसंद भी नहीं होगा ना, वो भी इस पालक को बड़े आराम से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, और तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब 1 चमचा तेल है, ये छोटी कढ़ाई है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। और तेल अच्छे से, खूब अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने हींग, जीरा और खूब सारा लहसुन डाल दिया है। इसमें कम से कम 10-15 लहसुन डाले हैं, और ऐसे एक बड़ी सी प्याज काट के डाल दी है बड़े बड़े टुकड़ों में। और प्याज जब हल्की सी ब्राउन सी होने लगी है तो हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च डालने के बाद में अब साथ में ही मैं इसमें लाल सूखी मिर्च भी डाल दी है, और अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। आलू को तेल के साथ यहीं पर फ्राई कर लेंगे खूब अच्छे से, एकदम ब्राउन होने तक इसी तरीके से इनको फ्राई करना है। और ये देखिए आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्याज भी अच्छे से पक गई है। ये देखिए बड़ी बड़ी प्याज थी तो साथ में ही आलू के अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके बाद में मैं डालूंगी हम मसाले। मसाले से पहले इसमें डाल देंगे अदरक, मैंने अदरक नहीं डाला था तो इसमें मैंने अदरक डाल दिया है। अदरक को थोड़ा सा भून के अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, इनको भी थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे मसाले को भी। उसके बाद में डाल देंगे टमाटर, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काटे हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी डाल दिया। टमाटर के साथ में इसमें नमक डाल देंगे। तो टमाटर के साथ में ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और नमक डाल के इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं।
तो ये देखिए, अगर इसमें पालक ना भी डालो ना तो ये ऐसी बहुत टेस्टी सब्जी लगेगी। लेकिन अभी हम इसमें पालक लास्ट में डालेंगे। और मैंने इसको काट के ऐसे कपड़े, सूती कपड़े में सुखा दिया था, क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी रहता है पहले से ही, और धोने से थोड़ा सा पानी और हो जाता है, तो कपड़े में फैलाने से उसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा सूख गया है, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी पालक मैंने धोई थी। तो यहाँ पर ये अच्छे से आलू टमाटर सब गल चुके हैं, ऊपर से मैंने ये पालक डाल दी है सारी, और बस इसको ढक देंगे और ढक के इसको पकने देंगे। जब थोड़ी सी पालक नरम हो जाएगी, पकने लगेगी, तब इसको चला देंगे। तो ये सिंपल सा लंच बना है, पालक की सब्जी। धीमी धीमी आँच में पकती रही थी सब्जी और देखने में भी यमी दिख रही होगी। और आज चावल नहीं बनाए, सूखी सब्जी थी, दही रखा था तो थोड़ा सा वो ले लिया है। तो बस आ जाइए, आप लोग भी लंच कर लेते हैं, सिंपल है लेकिन यमी तो है ना। तो लंच हमारा हो चुका है, सबका खाना पीना हो गया है, और बस मैं अब इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। और आप लोगों को प्रोटीन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग मंगा के जरूर ट्राई कीजिए, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट है इसके। और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू ऑल टेक केयर।